हेलो गाइस, दिस इज़ मी पारस रज़ाक। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज का ब्लॉग होने वाला है, आज मैं करने वाली हूँ एथनिक का रिव्यू, जो कि मैंने कुछ 3 कुर्तियाँ ली हैं वो भी सेल में। तो मैं उनको उनके साथ स्टाइलिंग करके बताऊँगी कि ये किस पे पहनी जा सकती है, कौन सी शर्ट किस पे पहनी जा सकती है। तो चलिए देर नहीं करते, तो मैं आज थोड़ा सा विदाउट मेकअप ही आती हूँ। मैं थोड़ा सा मेकअप करूँगी, तो माय बॉक्स अभी मैं कर लूँगी अपने बालों को बंद, ताकि मैं मेकअप इजी से कर पाऊँ। वेयर इज़ माय स्क्रंची, कहाँ गया पता नहीं, ये रहा। थैंक यू वेवो, मेरी लिटिल बेबी है जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं कर दूँगी अपने बालों को अच्छे से नोट। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने बालों को अच्छे से बंद, हालांकि मेरे बाल अच्छे से बंद नहीं हुए, बहुत ही बुरे लग रहे हैं, पता नहीं मैंने क्यों ऐसे कर दिए। खैर, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपना फाउंडेशन, और मैं इसको कर दूँगी फास्ट, क्योंकि ये मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, तो इसको कर दूँगी फास्ट। चीज़ें गुम हो जाती हैं, एक तो यहाँ पे जब भी मैं बैठती हूँ ना मेकअप के लिए, कुछ ना कुछ, देखो मैंने कैसे की है बहुत ही गंदी मैंने किस्म की पूरी की है, बहुत ही अजीब लग रही है। इग्नोर गाइज, कहाँ गया देखो गॉड यार बेबो, प्लीज हेल्प मी। मैंने कहाँ रख दिया, अभी अभी था मेरे पास बेबो, तुम्हारे पास था बेबो, मेरे ट्राइपॉड से पीछे रहो बेबो, लेट हो रहा है मुझे बहुत। अच्छा मैं बंद करती हूँ और मैं खुद ही ढूंढ कर आती हूँ, प्लीज वेट। मिल गया, ये देखो ये खो गया था यार, मैं बहुत ही कुछ अजीब सी लग रही अच्छा जी, खैर रिश्ता लेने मेरा वैसे भी नहीं आ रहे, तो इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा जी, तो अब हम कर लेते हैं अपना जल्दी से मेकअप। कुछ नहीं, सेकंड ब्लॉग ही होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने कर दी थी अपनी फाउंडेशन कंप्लीट, और अभी मैं करने जा रही हूँ आई मेकअप, सो लेट्स सी। तो ये वाले शेड पिंक कलर के थे, मेरे पास आई शेडो पैलेट और एक शिमरी आई शेडो पैलेट थी, और मैं थी कंफ्यूज क्योंकि मेरा जो टॉप था वो बिल्कुल सिंपल एलिगेंट था, तो मैं शिमरी नहीं कर रही थी यूज़, और फिर मैंने किया बेसिक से कलर पिंक। यहाँ पे मैंने कर दी थी अपनी आई शेडो कम्प्लीट, अपना आई मेकअप मैंने रखा था बहुत ही सिंपल बेसिक सा, क्योंकि मुझे यहाँ पे हैवी मेकअप नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने रखा था सिंपल। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ ब्लश, एंड इट्स माय फेवरेट। ये इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, सीरियसली बहुत ही अच्छा है। लैशेज का है, लैशेज ब्रांड का है, और ये मैंने अपनी एक फ्रेंड थी उसको दे दिया ने उसने छीना है मुझसे। डिस्ट्रैक्टिंग मी, एक तो बंदा मेकअप करता है ऊपर से आंखें फाड़ फाड़ के आपकी बहनें आपकी सिस्टर जैसे घूर घूर के देती है, तो आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हो। ये मेरा सेकंड व्लॉग है गाइस, सो प्लीज कम ऑन ना, देखो मुझे इतना शर्म आती है। और ये लगाने वाली हूँ मैं मैट लिपस्टिक, लिप ग्लॉस। सॉरी, मैंने बिल्कुल
लाइट सा मेकअप किया है और आई थिंक पहले मुझे मस्कारा लगाना चाहिए था। चलो खैर हो। I'm done with lipstick. So, मेरी आंखें लग रही है बहुत ही फीकी फीकी और सूनी सूनी, तो इतना भी कोई रीसेंट मेकअप नहीं करना। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है मस्कारा, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं घंटों के घंटों खो जाती हूँ इससे, क्योंकि मुझे अपनी आंखें चाहिए खूबसूरत। Now I am done with this mascara. अभी भी लग रही थी मेरी आंखें सूनी, तो मेरे पास पड़ा हुआ था वाइट कलर का पेंसिल, क्योंकि मैं वो कल ही लाई थी, तो मैंने कहा कि why not मैं अपनी आंखों को और खूबसूरत करने के लिए वाइट पेंसिल अप्लाई कर लूँ। तो मैंने कर दी अपनी आंखों पे वाइट पेंसिल अप्लाई। यहाँ पे मैंने कर लिया था अपना सारा मेकअप डन, बहुत ही सिंपल और बेसिक सा मेकअप किया था, कोई हैवी मेकअप नहीं था। और अभी मैं अपनी जुल्फों को खोलने वाली थी एंड माय एक्सपेक्टेशन वाज दैट कि मेरी जुल्फें हिलेंगी फिल्मी एक्ट्रेस की तरह, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी। अच्छा जी, तो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग और मैं आउटफिट्स भी दिखाऊंगी आपको और वो मैं पहन के भी दिखाऊंगी और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने कौन सा वाला बेस्ट किया है। अच्छा जी, तो ये है एथनिक, ऑल टाइम माय फेवरेट ब्रांड, मुझे इतना पसंद है, मैं इसके सिवा दूसरे ब्रांड्स में जाती ही नहीं, पहले तो मैं इस पर जाती हूँ। और ये मेरे फ्रेंड्स जिनको पता है मैं कितनी क्रेजी हूँ, मुझे पता है, वो ज़रूर कमेंट में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो तो मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी कहते थे। अच्छा जी, तो मैं अभी आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। और तो ये था मेरा फर्स्ट टॉप, बहुत ही हसीन था, कट्स एंड एम्बेलिशमेंट वाज टू गुड एंड एम्ब्रॉयडरी वाज ऑसम, और इसका फ्रंट लुक बहुत ही प्यारा और हसीन था। अभी आ जाते हैं हम इसकी प्राइस की तरफ, तो इसकी प्राइस क्या थी बिफोर एंड आफ्टर, 3690 रुपीज़ बिफोर और आफ्टर ये थी 1890। तो एथनिक वालों की ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है कि वो जो है बहुत ही कम प्राइस में आफ्टर सेल लगा देते हैं। सो लव यू एथनिक, रियली आई लव। और सेकंड टॉप है मेरा, एंड माय सेकंड टॉप वाज ग्रीन, और ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है कलर, और इस पे जो मोटिव्स थे ज़ेब्रा के वो मुझे बहुत ही प्यारे लगे, और इसके आप नेक लाइन दे सकते हैं बैक से, तो ये बहुत ही हसीन था और ये बहुत ही प्यारा टॉप था। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस की तरफ हम लोग, ये वाला टॉप इतना महंगा नहीं था, इसकी प्राइस बहुत ही कम थी, पहले इसकी प्राइस थी 3290 एंड नाउ इट्स जस्ट 1800। तो आप लोग खुद देखें कि इतनी कम प्राइस में और इतनी एलिगेंट टॉप आपको मिल रही है। सो एथनिक आई लव यू फॉर दैट। और ये एंड थर्ड वन थी मेरे पास ट्यूलिप शलवार, जो आजकल बहुत ही इन है और आजकल बहुत ही चल रही है ट्यूलिप शलवार, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ये मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी कि मैं लूँ और फाइनली मैंने ले ली। तो ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिली, पहले इसकी प्राइस थी 2290 रुपीज़ की ये पहले थी, एंड आफ्टर डिस्काउंट ये हो गई थी एंड नाउ इट्स 1590। तो ये बहुत ही मुझे चीप प्राइस में मिली तो मैंने ले ली, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ट्यूलिप शलवार हैं, आई डोंट नो व्हाई मैं इतनी बनवा लेती हूँ, जो मुझे अच्छा लग जाता है तो मैं उसके पीछे चल जाती हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं जाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये लोग कैसा आ रहा है और ये कैसे लग रहे हैं। सो बाय। यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे ग्रीन कलर के शूज़ फॉर माई ग्रीन टॉप, ये बिल्कुल उसके साथ मैचिंग जा रहा था तो मैंने ये निकाल लिया।